हाय फ्रेंड्स, छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा उत्तर भारत, खास तौर से बिहार और झारखंड के निवासियों का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इसका उत्सव पूरे भारत में देखने को मिलता है। दिवाली के बाद हिंदुओं का छठ पर्व सबसे बड़े त्यौहारों में गिना जाता है। छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 20 नवंबर को बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चार दिन तक चलने वाले सूर्य उपासना के इस अनुपम लोक पर्व में मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में जबरदस्त उत्सव और उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। भगवान सूर्य को समर्पित इस पूजा में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सूर्य भगवान और उनकी बहन की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना का यह पर्व सूर्य षष्ठी को मनाया जाता है, लिहाजा इसे छठ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि षष्ठी देवी भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए लोग सूर्य की तरफ अर्घ दिखाते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की आराधना करते हैं। इस पर्व को परिवार में सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। छठ पूजा वास्तविक रूप में प्रकृति की पूजा है। यह पर्व हमारी नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सूर्य भगवान की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि उन्हें एकमात्र ऐसा भगवान माना जाता है जो अपने तेज से दिन भर हमारी जिंदगी को रोशन करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। इसलिए सूर्य उपासना के इस पर्व को प्रकृति प्रेम और प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण भी माना जाता है। फ्रेंड्स, इस त्यौहार की और भी ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बहुत से व्यंजन और फलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख होता है ठेकुआ। और इस पूजा में सूर्य भगवान को ठेकुए का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए छठ पूजा में ठेकुए का एक अलग ही महत्व है और इसे छठ पूजा के मौके पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। ठेकुए को खजूरिया या खजूरा, थिकारी या मीठी मटरी के नाम से भी जाना जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। गाइस, बिहार में जो ठेकुआ बनाया जाता है उसमें आटे और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है और इसे थोड़े बड़े साइज में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको अपना थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन दिखाने वाली हूँ, जिसको मैंने और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मेरी ये रेसिपी मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत पॉपुलर है। आई होप आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी ये पॉपुलर बिहारी खस्ता ठेकुए की रेसिपी। तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ है मेरे पास 1 कप आटा, 1 कप मैदा, 1/4 कप देसी घी, ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप है मेरे पास पाउडर्ड शुगर दैट इज़ पिसी हुई चीनी, 1 कप है सूजी, यहाँ है मेरे पास थोड़े से सफ़ेद तिल दैट इज़ सेसमी सीड्स, सौंफ और नारियल बुरादा। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप आटा और 1 ही कप मैदा। गाइज, आप चाहें तो इसे पूरा आटे के साथ या सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हैं। और अब इसमें गई 1 कप सूजी, और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप पाउडर्ड शुगर दैट इज़ पिसी हुई चीनी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कटोरी नारियल का बुरादा, और ये हैं सेसमी सीड्स, सफ़ेद तिल, इसको मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और अब इसमें जाएगी सौंफ, तो यहाँ मैं 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब जाएगा इसमें देसी घी, ये 1/4 कप देसी घी है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब सबसे पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हाथ से इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं, ये इस तरह से बाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ये आधा कप दूध ऐड करके इसका एक टाइट डो तैयार कर लूँगी। ये दूध ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना गर्म, ये रूम टेम्परेचर पर वार्म मिल्क है। फ्रेंड्स, इतने डो को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ आधा कप ही दूध लगेगा, लेकिन अगर फिर भी बाद में अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध और भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, मेरा डो तैयार है और मैंने सिर्फ इसे आधे कप दूध से ही बाइंड किया है। इस डो को आप अच्छी तरह मथते हुए इसको सॉफ्ट कर लीजिए और अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालकर इसको थोड़ा सा और मुलायम करने वाली हूँ। तो लीजिए, हमारा ठेकुए के लिए डो तैयार है। अब मैं इसको एक गीले कपड़े से ढककर इसको आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे। यहाँ हमारे डो को रेस्ट करते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और ये पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। इतनी क्वांटिटी में डो हथेली में लेकर इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसमें क्रैक्स ना दिखें और इसके गोले तैयार कर लेंगे। गाइज, आप चाहें तो इसे किसी भी साइज या किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरह से बनाकर फ्राई कर सकते हैं और अगर आप इस पर कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो यहाँ मैं बिल्कुल राउंड गोले भी बना रही हूँ और अब यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम इसमें डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ सारे डो के बॉल्स तैयार कर लूँ, फिर आपको उसमें डिज़ाइन बनाना बताती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए, हमारे सारे डो के बॉल्स तैयार हैं। गाइस, मैंने इसको छोटे साइज़ में इसलिए भी बनाया है ताकि बाइट साइज़ के होने पर खाने में वेस्टेज नहीं होती और ये देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। और अब इसमें डिज़ाइन देने के लिए यहाँ मैं फोक इस्तेमाल कर रही हूँ। फोक से इस गोले को हल्का सा प्रेस करते हुए जेंटली इस फोक को बाहर की तरफ खींच लीजिए और बस तैयार है इस पर ये सिंपल सा डिज़ाइन। और इसी तरह से हम बाकी सारे पीसेस को भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे सभी ठेकुए या खजूर कह लीजिए बनकर तैयार हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, बस मीडियम हॉट ऑयल में ही इसे फ्राई करेंगे। बस अब एक एक करके इन पीसेस को ऑयल में छोड़ते जाइए। और फ्रेंड्स, एक बात और जो यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि हमें इनको फ्राई करते समय कढ़ाई को बहुत ओवरलोड नहीं करना है। मतलब एक बार में सिर्फ 10 से 12 पीस ही फ्राई कीजिए, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। और जेंटली इसमें छलनी से चलाते हुए इनको पलटते रहिए और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखिए ताकि ये अंदर तक पक जाएँ। गाइस, अगर आपको फ्राइड खाना पसंद ना हो तो आप इसे माइक्रोवेव या अवन में भी बेक कर सकते हैं, या अगर आपके पास गैस तंदूर हो या एयर फ्रायर हो तो उसमें भी इसको रोस्ट किया जा सकता है। ये टोटली आपके टेस्ट और आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है, सो मेक इट योर ओन वे। तो यहाँ हमारी खजूरें बनकर तैयार हैं। आप इसका कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लाइट या डार्क रख सकते हैं। और अब इसको मैं एक टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने इसका दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो लीजिए, हमारी ये टी टाइम स्नैक बनकर बिल्कुल तैयार है। गाइस, अभी ये गर्म है और इस स्टेज में ये बहुत नरम होती हैं, इसलिए इसको 10 मिनट तक टच मत कीजिए, नहीं तो ये टूटने लगेंगी। थोड़ी ठंडी होने पर ही ये बाहर से एकदम खस्ता और अंदर से बिल्कुल क्रंची हो जाएंगी, तभी इसको किसी बर्नी या एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कीजिए।
तो इंजॉय कीजिए ये लवली टी टाइम स्नैक अपनी गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ। और अगर आपको मेरी आज की ये पंजाबी स्टाइल में बनी खस्ता खजूर या ठेकुए की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आगे भी मेरी अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए पिंक्स हैप्पी कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स इन पटना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, इन्जॉय द फेस्टिवल एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।